डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल वन जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है इंट्यूशनिक फजी सेट्स की, लेकिन मैंने इसमें जो आपके पास एक्स एक्सिस पर जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, जैसे एल के क्रॉसपॉन्डिंग 1/3 है, एम के क्रॉसपॉन्डिंग 1/2 है और एन के क्रॉसपॉन्डिंग 2/3 है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को लेकर मैंने सिंपल इन वैल्यूज़ को लिया है और इसको फजी सेट्स के तौर पर लेकर मैंने जो है वो इनका डिस्टेंस फाइंड किया है। लेकिन ये पूरी अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो ये आपको इंट्यूशनिक फजी सेट्स की रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी। वो कैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर ए के मेंबरशिप वैल्यू 1,0 है, ठीक है। तो अगर आप इसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू देखें, ए के क्रॉसपॉन्डिंग नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0,1 बनेगी, तो वो आपके पास यहाँ पर बी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0,1 जो है वो आपके पास ए की नॉन मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह देखें इंट्यूशनिक फजी सेट में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि वो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज की सम, मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज का सम जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है या लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब देखें अगर आप एल को देखते हैं तो एल की मेंबरशिप वैल्यू 1/3 है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 2/3 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एम की मेंबरशिप वैल्यू देखते हैं 1/2 है और उसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू 1/2 आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। फिर इस तरह देखें एन जो है वो आपके पास उसकी मेंबरशिप वैल्यू 2/3 है और उसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू 1/3 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो भी आपके पास 1 आ जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल एम जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंबरशिप वैल्यू को, और एन जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो नॉन मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम सिर्फ जो है वो फजी सेट जो है उसका डिस्टेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पर एल जो है उसकी 1,1/3 लिखा कि 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, क्योंकि एक्स जो है वो 1 के, तो इसमें उसके 1 के क्रॉसपॉन्डिंग उसके मेंबरशिप वैल्यू 1/3 है। फिर आपके पास एम में 1,1/2 है, फिर उसके बाद एन जो है उसमें 1,2/3 है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके मैंने यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट जो फाइंड आउट किया है। तो अब हम एक एग्जांपल नंबर 2 जो है उसको देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर फाइंड एंड प्लॉट द हैमिंग डिस्टेंस डी ऑफ एच ए बी बिटवीन टू फजी सेट्स ए एंड बी ऑन द डिस्कोर सेट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सच है। अब यहाँ पर ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स आपको दे दिए हैं और उनको ग्राफिकली जो है वो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब देखें ए जो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 0.5 जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 0.3 है। तो उनको मैंने सेट ए जो है वो आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कि 1 के क्रॉसपॉन्डिंग उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 3.5 है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो 1 है और उसके बाद 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 0.3 है। तो ये आपके पास इसकी मेंबरशिप वैल्यू को यूज़ करते हुए फजी सेट ए जो है उसको प्लॉट कर दिया। फिर बी जो है उसमें देखें आपने पहला एलिमेंट जो है वो आपके पास 2,0.4 है, क्या मतलब है 2 पे इसकी वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है, 3 पे भी 0.4 है और 4 पे जो है वो आपके पास 1 है और इनको भी आपने ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो अब आपने इसका डिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले इनकी जनरेटिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे। जनरेटिंग वैल्यू से क्या मतलब है कि जो आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं उनको पहले माइनस करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास इसकी जनरेटिंग वैल्यू। फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिंग वैल्यूज दैट इज इक्वल्स टू 1-2। पहले ए के एलिमेंट्स जो है वो 1,0.5 है और बी के एलिमेंट 2,0.4 है। तो हम पहले इनकी जो डिस्कोर सेट जो है उनके एलिमेंट्स को माइनस करके इनकी जनरेटिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। 1-2, 1-3, 1-4। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें 1-2, 1-3, 1-4 और ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1, 2, 3। इस तरह आपने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट जो है इसको चूज़ करेंगे
टू माइनस टू, टू माइनस थ्री, टू माइनस फोर, तो ये भी आपके पास टू माइनस टू, टू माइनस थ्री, टू माइनस फोर, और इस तरह फिर आपने थर्ड एलिमेंट जो है उसको और फोर एलिमेंट में उसको लेकर और आपके पास फोर्थ एलिमेंट तो उसको इनकी जो है वो डिस्कोर सेट की जो जनरेटिंग वैल्यूज़ हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो जनरेटिंग वैल्यूज आ जाएंगे जीरो वन टू थ्री। तो अब हमने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है जीरो के क्रॉस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं जो मेंबरशिप वैल्यूज होंगे उनको अब हमने साफ करना है। तो आप देखें जीरो के लिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, आपने सेट ए में देखें टू माइनस टू किया था जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टू कॉमा वन और टू कॉमा पॉइंट फोर है, दूसरे में थ्री माइनस थ्री करते हैं तो जीरो आता है, उसके मेंबरशिप वैल्यू पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर, ठीक है। तो आपने अब आपने क्या करना है, टू कॉमा वन और पहले टू कॉमा पॉइंट फोर जो है इसके मेंबरशिप वैल्यूज को माइनस करें वन माइनस पॉइंट फोर, तो आपके पास वन माइनस पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स आ जाएगा। और इस तरह दूसरी जो है हैमिंग डिस्टेंस जहाँ पर थ्री कॉमा थ्री करते हैं तो जीरो वैल्यू आती है, तो उसके क्रॉस्पॉन्डिंग उसकी मेंबरशिप वैल्यू पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर थी, उन दोनों को माइनस किया तो पॉइंट वन आ। इस तरह फिर आपने जनरेटिंग वैल्यू वन के लिए करेंगे, जनरेटिंग वैल्यू वन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, एक तो वन कॉमा टू वाला आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास थ्री कॉमा फोर वाला आएगा, फिर टू कॉमा थ्री वाला आएगा, तो वन कॉमा टू के क्रॉस्पॉन्डिंग जो आपके पास मेंबरशिप वैल्यूज हैं उनको माइनस करें और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, फिर आपने टू कॉमा थ्री के क्रॉस्पॉन्डिंग जो मेंबरशिप वैल्यूज हैं उनको माइनस करें, फिर थ्री कॉमा फोर के क्रॉस्पॉन्डिंग जो मेंबरशिप वैल्यूज हैं उनको माइनस करें, और उनका आपने क्या कर लिया है डिफरेंस निकालकर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है, तो ये आपके पास है। इसी तरह फिर आपने जनरेटिंग वैल्यू टू जो है उसके लिए देखेंगे, टू के लिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वन कॉमा थ्री और उसके बाद टू कॉमा टू के लिए आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स देखें थ्री कॉमा, बल्कि आपके पास हमें चाहिए जनरेटिंग वैल्यू टू, तो वन और थ्री को देखें, यहाँ से वन कॉमा पॉइंट फाइव और थ्री कॉमा पॉइंट फोर करेंगे तो इसका लिए आप पॉइंट फाइव और पॉइंट फोर को माइनस कर लेंगे, फिर आपने इसके अलावा हाँ जी टू कॉमा वन और फोर कॉमा वन जो है इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जनरेटिंग वैल्यू जो है वो टू आती है, तो पॉइंट फाइव और पॉइंट फोर को माइनस किया, पॉइंट फाइव और पॉइंट फोर को माइनस किया तो आपके पास पॉइंट वन आ गया, ठीक है। तो ये आप और उसके बाद आपने दूसरी जो इसकी वैल्यू थी वो थी टू कॉमा वन और फोर कॉमा वन, इन दोनों की मेंबरशिप वैल्यू को माइनस करते जो जीरो आता है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि जनरेटिंग वैल्यू टू के क्रॉस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक डिस्टेंस आएगा। फिर इसी तरह आपने जनरेटिंग वैल्यू थ्री देखेंगे, जनरेटिंग वैल्यू थ्री जो है ये स्टूडेंट देखें कहाँ पर आती है, अगर आप वन कॉमा पॉइंट फाइव और फोर कॉमा वन को माइनस करते हैं तो यहाँ पर थ्री आएगा, और इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं जहाँ पर थ्री बनता, तो इसलिए हमने पॉइंट फाइव और वन को माइनस किया, पॉइंट फाइव और वन को माइनस किया तो ये पॉइंट फाइव जो है इसका हैमिंग डिस्टेंस आ जाएगा क्रॉस्पॉन्डिंग थ्री जो है जनरेटिंग वैल्यूज के लिए। तो अब आपने क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए, इन सब को हम ऐड कर लेंगे जितने भी डिस्टेंसेज हैं, तो वो आपके पास ऐड करने के बाद पॉइंट सिक्स पॉइंट वन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन पॉइंट सेवन पॉइंट वन पॉइंट फाइव इन सब को ऐड करते हैं तो ये 2.7 आपके पास आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्योंकि 2.7 जो है ये डिस्टेंस वन से ग्रेटर है, अब अगर आपने इसको नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर भी एलिमेंट्स थ्री हैं यहाँ पर भी एलिमेंट्स थ्री हैं, तो आपने क्या करना है इसको थ्री से डिवाइड करना, तो जब आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो उसका होगा वो नॉर्मलाइज डिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर टू की अभी आपको समझ आ गई, और इसमें आपने क्या किया है क्योंकि आपके पास दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स, ठीक है। अब आपने उसका तरीका सीखा है कि अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो किसी भी सेट के अंदर तो फिर उनका डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टाइप थी यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स। तो अब आपने इनका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर दिया। सिमिलरली जैसे आपने वहाँ पर जेनेटिक वैल्यूज फाइंड की थी, उसी तरह से आप तो इनकी जेनेटिक वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और उसके बाद आप उनका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यूक्लिडियन डिस्टेंस में आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये आपके पास फार्मूला नंबर वन यूक्लिडियन डिस्टेंस का थी, ठीक है। मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस मेंबरशिप वैल्यू और बी होल स्क्वायर और फिर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिस्टेंसेज आएंगे उन सब का सम और फिर उसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला वन जो है ये अब हमने अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सेम एग्जांपल जो है इसको हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखें आपने सबसे पहले जनरेटिंग वैल्यू ज़ीरो के लिए देखना है। जनरेटिंग वैल्यू ज़ीरो के लिए आपके पास मेंबरशिप वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं। जनरेटिंग वैल्यू ज़ीरो के लिए तो आपके पास एक 2.1 आ रहा है और 2.4 आ रहा है, फिर 3.3 आ रहा है और 3.4 आ रहा है। तो अब आपने दो एलिमेंट्स हैं, तो अब आपने क्या करना है, पहले इनकी मेंबरशिप वैल्यूज को माइनस करके उसका स्क्वेयर किया क्योंकि वहाँ पर सम का साइन था। अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों एलिमेंट्स के स्क्वेयर का सम करके फिर आपने स्क्वेयर रूट करना। दूसरी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 और 0.4 थी, उन दोनों को माइनस किया, उसका स्क्वेयर कर दिया और सम करने के बाद आपके पास ये देखें इसका सिंप्लीफाई किया है, 1-0.4 स्क्वेयर इज 0.6 स्क्वेयर और 0.3-0.4 स्क्वेयर इज 0.1 स्क्वेयर और इसको स्क्वेयर करेंगे फिर उसके बाद ऐड करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वेयर रूट करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अब आपने जनरेटिंग वैल्यू वन के लिए उसमें देखें जनरेटिंग वैल्यू वन कहाँ पे आ रही है, एक तो वन और टू को करेंगे तो वन आता है, टू और थ्री को करें तो वन आता है, थ्री और फोर को माइनस करें तो वन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने इन तीनों एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है बारी बारी और उनको ऐड करना है, स्क्वेयर करके ऐड करना है फिर उसका स्क्वेयर रूट करना है। तो अब हम सेकंड जो है जनरेटिंग वैल्यू वन के लिए देखते हैं। जनरेटिंग वैल्यू वन के लिए मेंबरशिप वैल्यूज, पहली मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको देखा 0.5 माइनस 0.4 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 0.4 स्क्वेयर प्लस 0.3 माइनस 1 स्क्वेयर, उन सब का स्क्वेयर लेंगे पहले, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 0.973 आ जाएगा। फिर आपने जनरेटिंग वैल्यू टू के लिए देखा, जनरेटिंग वैल्यू टू में आपके पास 1 और 3 को माइनस करते हैं और 4 और 2 को माइनस करते हैं। अब देखें 1 और 3 की जनरेटिंग वैल्यू 0.5 0.4 है, इन दोनों को माइनस करके इसका स्क्वेयर कर देंगे और 2.1 और 4.1 की जो मेंबरशिप वैल्यू 1.1 है इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, सिर्फ माइनस 0.5 और 0.4 का स्क्वेयर और उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर 0.1 आ जाता है। फिर इसी तरह आपने जनरेटिंग वैल्यू 3 जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ को माइनस किया है, उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाता है। अब आपने टोटल डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन सबको ऐड कर लेंगे, ज़ीरो जनरेटिंग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास डिस्टेंस जो है 0.608 है, वन के क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो 0.9273 है, उसके बाद टू के क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो 0.1 है और थ्री जनरेटिंग वैल्यू की क्रॉसपॉन्डिंग 0.5 है। इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 2.13 आ जाएगा। और अगर आप इसका नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास इसका नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से यूक्लिडियन डिस्टेंस और हैमिंग डिस्टेंस जो है उनको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन करें कि इनको अपने तौर पे कुछ एग्जांपल्स बनाएं, ठीक है, और उन एग्जांपल्स को इन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करते हुए जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।